लिखा है, जबकि हम लोग के गुरुजी कहते हैं कि उसे पीने से रोगों का नाश होता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, जो भी गलत संगति होती है हमारे जीवन से चली जाती है। अब उसमें कौन सही है कौन गलत है इसको कैसे समझ पाए? देखो, मैं आपको इस पूरी वीडियो में तीन तीन क्लिप दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना? वो तीनों क्लिप आप सुनोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सही है और कौन गलत है, अनिरुद्धाचार्य जी सही हैं या हम सभी के प्यारे पूज्य गुरु जी सही हैं। शास्त्रों की बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, आइए बात करते हैं, तीन क्लिप देखते हैं, फिर आप खुद डिसाइड करना, ठीक है ना? लोग जो शिव महापुराण को नहीं समझते, शंकर की कथा को नहीं समझते, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकते तो फिर गंगा का जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है। तो गंगा का जल भी तो शिव पर चढ़ा है, वो भी तो शंकर की जटा से निकल रहा है। कहना सरल है, शंकर का चढ़ा जल मत पियो, और उसको प्रमाणित करना कठिन है, बहुत कठिन। थोड़ा सत्य चुपता जरूर है, और वो प्रमाणित रहता है। प्रमाण तो आप लोगों ने गुरु जी की बातें सुनी, गुरु जी तो क्या कह रहे हैं कि लोग भागवत कथा जब कहते हैं तो लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं। इस पर क्या एक लड़की ने सवाल पूछा अनिरुद्धाचार्य महाराज से, और फिर हम लोग गुरु जी के उस प्रमाण की बात करेंगे जो हमेशा से पूज्य गुरु जी अपनी हर कथा में देते चले आए हैं, और अभी हाल ही में जो कथा हुई थी उसमें पूज्य गुरु जी ने इस कथा के बारे में बताया। पहले आप उस क्लिप को छोटे से सुनो कि ये क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है ना? राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। गुरु जी, मेरे से आपका एक प्रश्न था कि जो आप कल बोल रहे थे शिव जी में जो जल चढ़ता है उसे हम पी नहीं सकते, और एक बार प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि उसे हम औषधि के रूप में पी सकते हैं, तो मेरे को एक कंफ्यूजन था। इसके लिए आप शिव पुराण पढ़िए, और शिव पुराण में जो लिखा है वो मानिए। शिव पुराण में मैं लिखा हुआ आपको बता सकता हूँ कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आज तक पहले भी कभी किसी ने सुना कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिया जाता है? नहीं पिया जाता। शिव पुराण में ही लिखा है कि नहीं पीना, तो जो लिखा है वही हम बताएंगे। हम जो भी बताते हैं वो शास्त्रों की बातें बताते हैं, लिखा हुआ मनमाना कुछ नहीं। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। हमने बताया तो शिव पुराण पढ़ लो, आप किसी की बात मत मानो, आप पुराण पढ़ो, है ना? जो पुराणों में लिखा है आप ये बताओ, आज तक किसी को आपने शिवजी का जल चरणों का शिवलिंग का पीते हुए पहले कभी सुना देखा? जी नहीं। फिर तो फिर आपने जब देखा नहीं, चरणामृत का मतलब क्या होता है? चरणों का अमृत, और चरणामृत किसका है? केवल भगवान श्रीमन नारायण, केवल हमने बताया था लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम भगवान, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके चरणों का जल चरणामृत कहलाता है। शिवजी के अभिषेक का जो जल है उसे नेत्रों से लगाया जा सकता है, उसका सिंचन ऊपर किया जा सकता है, और उसे पीने की परमिशन शास्त्र नहीं देते। तो क्लिप सुनिए आप लोगों ने, क्या कहा कि ऐसा कोई भी चरणामृत जो हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं उसे चरणामृत नहीं माना जाता। तो पूज्य गुरुजी हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से हम कहते हैं कि तो हमारे शंकर महादेव के जो उनकी जटा है उनमें से गंगा जी निकली हैं, और जहाँ पर गंगा जल हम छीट देते हैं वो जगह तो अपने आप पवित्र हो जाती है। तो अगर हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर से कोई भी जल आचमन करते हैं, पीते हैं, तो वो गलत कैसे हो सकता है ना? इस पर पूज्य गुरुजी ने हम लोग के प्रमाण दिया है। सबसे पहले उस प्रमाण को आप देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता, ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण।
सुन लिया आप लोगों ने, सारे प्रमाण देख लिया आपने कि क्यों पीना चाहिए, कहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है। शिव महापुराण में ही ये कह रहे हैं अनुराधाचार्य महाराज, कह रहे हैं शिव महापुराण में लिखा ही नहीं है। और इसको प्रूफ कर दिया हम सभी के प्यारे गुरुजी ने कि देखो भैया इस पेज नंबर पे लिखा है, ये आपका शास्त्र है, ये प्रमाण है और यहाँ पे लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वही मैं भागवत की गद्दी पे बैठ करके आप सभी लोगों को बताता हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता। ये तो सीधा सीधा पूज्य गुरुजी का कहना है। लेकिन अनुराधाचार्य महाराज क्या कर रहे हैं, वो सीधा कह दे रहे हैं, ना पढ़े ना लिखे ना कुछ भी कहे किसी से, बस सीधा एक ही बात कह रहे हैं कि शिव महापुराण में नहीं लिखा हुआ है। पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, मैं यहां पे कुछ भी कहूंगा नहीं, वरना लोग कहेंगे कि भैया आप तो बहुत ही बोल रहे हो। मेरा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना है कि आप लोग प्लीज कोई भी लोग हम लोग के गुरुजी के पीछे ना पड़ो, उनको शास्त्रों की नॉलेज है। हम लोग जो भी सुनते हैं, जो भी विचार करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और बहुत सारे, इवन मेरे भी जीवन में बहुत परिवर्तन आया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनके जीवन में पूज्य गुरुजी की वजह से, शिव महापुराण की वजह से बहुत परिवर्तन आया है। आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति महादेव की पूजन करने वाला मुझे नहीं लगता कि वो उदास होगा। परेशानियाँ सभी के पास में हैं, लेकिन उसकी परेशानियों का निवारण भी स्वयं महादेव करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और इस वीडियो के बारे में